परमहंस महाराज श्री जौहर दास महाराज जी, उनकी परम धाम की बड़ी वृत्ति। इन वृत्ति में परम धाम के 25 पक्षों का बेहद ही सुंदर वर्णन सरल और अति बारीकी से हुआ है। परम धाम के एक एक मोहर मंदिर को आत्म दृष्टि से देखा जा सकता है, मानो सब नजारे साक्षात रूप से निज नैनों में आने लगते हैं। महाराज श्री जी का हमेशा प्रसन्नचित खिला हुआ मुखारविंद, धाम धनी श्रीराज जी का लख लख शुक्राना, जिनकी कृपा से ऐसे सदगुरु हमें मिले, उनकी चरणों में कोटि कोटि शत शत प्रणाम। हवेली के भीतरी थम की हाथ, हवेली के चारों तरफ मंदिरों के भीतरी तरफ एक मंदिर की दूरी पर पगली दीवार के सामने 76 थंभों की एक हार चारों तरफ हमी है। एक तरफ 20 थंभ 19 मेहराबे, चारों तरफ कुल मेहराबे 76 आई है। रसोई की हवेली, पूर्व दिशा की दहलान, उत्तर दिशा की दहलान, दक्षिण दिशा की दहलान घेर कर 88 मंदिरों की ग्रिड। इन मंदिरों के भीतरी तरफ एक मंदिर की दूरी पर थंबू की एक हार आई है, नूरमई गली थंबू की अति सुंदर नूरमई हार। ये थंब हर दिशा में, एक दिशा में देखते हैं तो 20 थंब, उन पर 19 मेहराबे, इस तरह से चारों दिशाओं की मेहराबे कुल 76 होती है। सुंदर नूरमई थंब, ये थंब 44 हार तो सीधा ऊपर जाते हैं, बेशुमार शोभा इन थंबों की, कहीं 4 पहल के थंब तो कहीं 8 पहल के, 16 पहल के थंब तो कहीं गुलाई में शोभा लिए इन थंबों की शोभा, बेशुमार शोभा। ऊपर 44 हार की जगह में नूरमय अति सुंदर नकाशी कटाव से सुसज्जित मेहराब की शोभा, मेहराब की नोक पर और दोनों ओर लाल मानिक के फूल। भारी हार मंदिरों से एक मंदिर की दूरी पर इन थंबों की हार, उन्हें एक मंदिर भीतरी तरफ चबूतरे की शोभा। भारी हार मंदिर एक थंब की हार, दो गलियां ठीक मध्य में चबूतरे की शोभा, इनका वर्णन आगे होगा। रसोई की हवेली, भीतरी थंब की हार, थंबों की हार नजदीक से